उत्तराखंड के आराकोट में आपदा से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। इसका आंकलन कराने के लिए केंद्र सरकार की एक टीम आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे पर है। नुकसान का क्या अनुमान रहा, इस पर आपदा प्रबंधन के सचिव अमित नेगी से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली ने। उत्तराखंड में आपदा के नुकसान के आंकलन के लिए केंद्र सरकार ने 7 सदस्यीय एक टीम भेजी है। आकलन किस तरह का रहा, आपदा प्रबंधन से जो सचिव हैं अमित नेगी जी, वो हमारे साथ हैं। सर, एक टीम आई है 7 सदस्यीय, अभी तक किस तरह का आकलन आपकी जान? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया गया था, उसी अनुरोध के क्रम में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के सर की अध्यक्षता में एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम हमारे स्टेट में विजिट कर रही है। इनका 3 दिवसीय दौरा है हमारे राज्य का। सबसे पहले हमने इनको जो हमारे मैक्सिमम डैमेजेस वाले एरिया थे, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग फर्स्ट डे इनको उत्तरकाशी हम लोग ले गए हैं। उत्तरकाशी में भी आपके संज्ञान में होगा कि आराकोट में काफ़ी डैमेजेस हमारे आए थे। सो हमारी टीम ने कल पूरा आराकोट का पूरा विस्तृत दौरा किया। आज सेकेंड डे हमारी टीम का विजिट चमोली में प्रस्तावित है। वहाँ अगेन हमारे टीम जो है नंदप्रयाग और घाट की जो एरियाज में जहाँ काफ़ी डैमेजेस हुए, वहाँ का भ्रमण करेंगे। पुनः वो लोग अपने स्तर पर जो स्थानीय नागरिक हैं उनसे पूरा बात करेंगे, बातचीत करेंगे कि किस प्रकार के डैमेजेस वहाँ पर है। साथ ही साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चमोली भी डिटेल प्रेजेंटेशन उनको देंगे कि किस प्रकार के डैमेजेस वहाँ पर आए हैं। सर, भूमि की बात करते हैं, 270 हेक्टेयर के करीब बताया जाता है कि भूमि वहाँ पर खराब हो चुकी है। और अगर नुकसान के आकलन की बात करते हैं, सरकार की तरफ से एक आंकड़ा था कि 130 करोड़ के लगभग, क्या अभी पूर्ण अनुमान लगा चुके हैं? हमने जो अभी डिफरेंट डिपार्टमेंट से असेसमेंट लिया, बिकॉज असेसमेंट एक कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रक्रिया है और हमारे ऑफिसर्स अभी रेस्क्यू एंड रिलीफ में लगे, लेकिन टेंटेटिवली हमारा करीब 200 से 250 करोड़ के आसपास असेसमेंट है कि हमारा डैमेजेस हुए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह की मदद की उम्मीद करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के SDRF के मानक है, जो बिल्कुल डिफरेंट फाइनेंस कमीशन के उपरांत गृह मंत्रालय के द्वारा मानक फिक्स किए जाते हैं, तो उनका जो मानक है उसके अनुसार ही हमें गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को हेल्प की जाएगी। हमसे बात करने के लिए तो केंद्र सरकार की तरफ से 7 सदस्यीय जो टीम है वो भी नुकसान का आकलन कर रही है, और आकलन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार राज्य की मदद करेगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक देहरादून।